टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सोशल मीडिया पर मोबाइल बिक्री के नाम पर हजारों की ठगी के मामले में पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मकरंद नगर के मोहल्ला मौसमपुर मोरारा निवासी मोहित गौतम पुत्र मुकेश कुमार ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि विगत 2 जनवरी सन 2022 को उसने इंस्टाग्राम पर 320 देकर एक मोबाइल बुक कराया था। अगले दिन 3 जनवरी को एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल द्वारा सूचना दी कि 5,000 रुपए उसके खाते में डाल दो और मोबाइल आ जाएगा। पीड़ित ने तथाकथित आरोपी आर्मी मेन द्वारा बताए गए खाते में 5,000 रुपए डाल दिए। इसके बाद भी मोबाइल नहीं आया और उक्त आरोपी ने दोबारा 5,000 की मांग की। पीड़ित ने 5,000 और डाल दिए लेकिन मोबाइल फिर भी नहीं मिला। इसके बाद आरोपी ने 10,000 की मांग की रुपया न देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी। पीड़ित को मानसिक रूप से एवं आर्थिक रूप से परेशान कर रहा। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित जी, कोतवाली है, क्या मामला है? भैया हमने फोन बुक करो तो इंस्टाग्राम से ऑनलाइन। हाँ। फोन बुक करने के बाद हाँ। तो उन्होंने कहा पहले रुपए अकाउंट में डाल दो। हाँ। मना कर दिया। हाँ। मना करने के बाद रुपए अकाउंट में नहीं डालोगे तुम्हारे घर पर पुलिस आएगी और हम आर्मी के बंदे हैं, धमका रहे हैं। और जब मैंने 5,000 रुपए डाल दिए। हाँ। उसके बाद 10,000 डालो वरना पुलिस आएगी तुम्हारे घर पर। कौन है ये, पता है कुछ? नितेश। कहाँ के हैं ये? ये नहीं पता मैं। कुछ इनका प्रूफ है आपके पास? हाँ, आईडी कार्ड है इनका, आधार कार्ड है। अच्छा, तो मतलब मोबाइल आया नहीं अभी तक? अभी मोबाइल नहीं है, कॉल आ रहा है उनका, अभी भी कॉल आया था। अच्छा, नंबर है उनका? हाँ, नंबर है। 2 तारीख को बुक किया था, 7 तारीख हो गया अभी तक फोन आ रहा है। कहाँ रहने वाले हो तुम? हम कन्नौज से। कोतवाली में आए हो? हाँ। कन्नौज में कहाँ रहने वाले हो? कन्नौज मौसमपुर मोरारा। मौसम ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए।